खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जिसने मारा है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये तो रघुवर दास जो हैं वो संविधान की शपथ खाए हैं, लेकिन वो आरएसएस की शपथ को पूरा कर रहे हैं कि हमारे लोग अगर पकड़े जाएंगे तो उन्हें हम छुड़ाएंगे। वो तो अपनी नैतिक जिम्मेदारी अपनी विचारधारा के प्रति निभा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि रघुवर दास जी को भी कि उनको संविधान के प्रति जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, बाहर आकर संविधान की शपथ लेते हैं फिर अंदर जाके एक दूसरी शपथ लेते हैं, तो ऐसे दो शपथ लेने वाले लोगों से हमें बचना पड़ेगा। वरना मैं ये कह रहा हूँ कि आज तबरेज का हुआ है, अभी दिल्ली के अंदर एक हुआ मॉब लिंचिंग जिसमें हिंदू था मुसलमान समझ के मॉब लिंचिंग कर दिया, इस तरह की घटनाएं होंगी। तो जब तक वो दंगा सबको अच्छा लगता है जब तक इसमें दंगे में उसका बाप ना मरे। प्रोटेस्ट करने से असर पड़ता है। हांगकांग में जिस प्रकार सड़कें भर दी गईं और सरकार को मजबूर होना पड़ा डिसीजन लेने में, हिन्दुस्तान में हालांकि इस तरीके की चीज़ें से मन्ना हजारे के समय देखने मिली, हालांकि उसका इम्पैक्ट सिर्फ दिल्ली में हुआ राज्य सरकार में, केंद्र में तो बड़ा था उसका इम्पैक्ट, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जब तक एक तरीके का सोशल रेवोल्यूशन नहीं होगा, लोगों को टेलीविज़न अपने घर से उतार के फेंकना पड़ेगा। टेलीविज़न पर आप देखिए क्या चल रहा है, कश्मीर में 40 दिन से लॉकडाउन है लेकिन कोई मीडिया चैनल उस पर बात करना नहीं चाहता, उनको पता फर्क पड़ रहा है कि चांद पर हमारा विक्रम लैंड करेगा कि नहीं करेगा। तो हमें अपनी पहले प्राथमिकताओं को तय करना पड़ेगा, एज ए सोसाइटी, एज ए मीडिया, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या हम संविधान में जो हमारा प्रीएम्बलम है, हम भारत के लोग और मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू है, ये दोनों नारों के बीच की लड़ाई है और हम भारत के लोगों की जीत होगी। ये मान लीजिए आज नहीं 100 साल लग जाएंगे लेकिन एक ना एक दिन जीत होगी, क्योंकि जिस प्रकार देश के अंदर माहौल है मुझे नहीं लगता ये बहुत दिन तक होल्ड कर पाएंगे। और पीयूष गोयल जी का जिस प्रकार अभी वीडियो हमारे सामने आया है, हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी तरह पैनिक कर चुके हैं। पैनिक कर गई सरकार, जब ये लोग रोज़गार नहीं दे सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते, तो डाइवर्ट करेंगे कैसे, तबरेज के मामले से, अखलाक के मामले से, कश्मीर के मामले से, तो ये सब डाइवर्जन है। कार्डियक अरेस्ट को वजह बता रहे हैं मरने की, वो तो होती ही है कमबख्त, लेकिन मारा किसने, विषय ये नहीं है कि वो मरा कैसे, मरेगा तो कार्डियक अरेस्ट से मैं भी ऐसे मरूंगा, आप भी ऐसे मरेंगे, हर एक को ऐसे मरेगा, लेकिन ये तो मारा गया है, ये कोई वजह नहीं है कार्डियक अरेस्ट। शर्म नहीं है, शर्म ख़त्म हो गई है। बदतमीज, कतई बदतमीज लोग हमारे हुक्मरान हैं, ये प्रॉब्लम। उस पर मर्डर के चार्जेस ड्रॉप किए गए हैं, लेकिन पूरा प्रकरण जिस तरह से हिंदुस्तान में जो घटनाएं घट रही हैं, तबरेज़ अंसारी को मारा गया है, उससे पहले पहलू खान, कहीं जुनैद, अखलाक या दलितों के ऊपर भी इस तरह के मॉब लिंचिंग हो रही है, आपका नाम अगर मुस्लिम नाम है तो आप कहीं भी, आप ईद की खरीदारी करके आ रहे हैं तो आपको मारा जा सकता है, आपको किसी भी बिना पर मारा जा सकता है अगर आपका मुस्लिम नाम है। ये जो माहौल इस नए भारत में बनाया गया है ये बेहद भयंकर है, और साथ साथ न्याय व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है। आप देखिए कि उसको मारा गया लेकिन मर्डर के चार्ज खत्म कर दिए, पहलू खान के केस में वीडियो मौजूद है लेकिन कोर्ट को कोई दोषी नज़र नहीं आता। पूरा जो आरएसएस की विचारधारा है और उसके लोग सत्ता के हर अंग में, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अफसर चाहिए हो, चाहे वो सरकार हो, उसके अंदर घुस गए हैं और उसी एजेंडा को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक संदेश लोगों को दे कि हमारी बात मानिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे धर्म को नहीं मानेंगे, तो हम आपके साथ कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है, संविधान बहुत अच्छा है, उसे लागू करने वाले बुरे लोग हैं, इसलिए वो बुरा साबित हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे। तो प्रॉब्लम ये है कि कितना भी अच्छा कानून बना दो, अगर पुलिस आपकी नकारा है, निकम्मी है, आपका गृह मंत्री निकम्मा है, तो इस तरह की घटनाएं होंगी। 302 के लिए मर्डर चार्जेस हैं, मर्डर हो रहे हैं, चोरी पर चार्जेस हैं, तो फिर चोरी हो रही है, रेप पर इतने कड़े कानून है, रेप हो रहा है, तो पुलिस, क्या पुलिस को नहीं पता है कि कौन से इलाके में क्या होता है,
15 अगस्त आते ही सारे मुजरिमों को जेल में बंद कर दो, 16 अगस्त को सारों को छोड़ दो क्राइम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े नीचे ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है। पुलिस का सेंसिटाइजेशन नहीं है, पुलिस जैसा अपने घर में बिहेव करता है वैसे वर्दी पहनने पर भी बिहेव करता है। तो जब तक एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नहीं बनाया जाएगा कि आप इंसान को इंसान समझें, उसमें भेद न करें, हिंदू है मुसलमान है क्या है, कौन क्या लेकर आया था भाई, किसकी क्या आइडेंटिटी है, तब तक इस तरीके की चीज़ें होती होंगी। पुलिस जेल में भी, मैं जिस तरह का जेल में था, तो जेल के अंदर जो मुस्लिम है, जो दलित है, उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार होता है। ये क्यों, कौन लोग कर रहे हैं? जेल प्रशासन कर रहा है। जेल प्रशासन क्यों कर रहा है? क्योंकि उनको सेंसिटाइज नहीं किया गया कि किस तरीके से लोगों से डील किया जाता है। वो अपने गांव में जिस प्रकार चौधरी बने होते हैं, वो जब वर्दी पहनते हैं तो वही चौधरपन वहां भी दिखाते हैं। तो जब तक नीचे से बहुत एजुकेशन लेवल से बदलाव नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता इस देश का कुछ हो सकता। इनका भारत में इन्होंने 3 दुश्मन घोषित किए हैं। आरआरएसएस की आप आइडियोलॉजी की किताब पढ़ें, बंच ऑफ थॉट जो गुरुगुल वारकर की है, 3 दुश्मन उन्होंने बताए भारत में, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट। ये आरएसएस की किताब में लिखा है। तो इन 3 दुश्मनों को ख़त्म करना चाहते हैं या उनसे कहते हैं कि आप सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह रहिए, जैसे हम रहना चाहते हैं वैसा रहिए। तो इनका एजेंडा है उसको, क्योंकि अब सरकार में आ गए हैं, उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा माहौल जिसमें लोगों के लिए भय हो, जो बात ना माने वो देशद्रोही हो जाएगा, जिसका नाम, जो उनके धर्म को नहीं मानता वो देशद्रोही हो सकता है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये मोदी पिछले साल चुनाव से कुछ दिन पहले कहता है, अरे मारना है तो मुझे मारो आप, ये तो इस तरह की बात है। डॉक्टर कहे कि बैक्टीरिया लोग आपको मुझे मारिए, मेरे मरीजों को मत मारिए, तुम डॉक्टर इलाज करो, आपके पास सत्ता है, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं उनको अंदर करो, मत करने दो किसी को मॉब लिंचिंग, कैसे कर लेंगे मॉब लिंचिंग? अगर आप रोकेंगे तो नहीं करेंगे, उन पर तुरंत हाथ की हाथ कार्रवाई, तो कोई मॉब लिंचिंग नहीं करेगा, आपकी शह शामिल इससे कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें बोले थे, आपको लगता है उन्होंने अपनी सारी बातों को फुलफिल किया? मुझे नहीं लगता उन्होंने अपनी कोई भी बात जो ऐसी बात थी उसको फुलफिल किया। हाँ, आरएसएस ने जो एक नारा दिया था कि हम हिंदू राज बनाएंगे, उसको सफल करने में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री काम करते नजर आ रहे हैं। इस देश के अंदर क्या हो रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इसराइल में वो बच्चे की मौत होती है तो वो ट्वीट करते हैं, उनके देश के अंदर तबरेज मार दिया जाता है, पहलू मार दिया जाता है, इखलाक मार दिया जाता है, ऊना के अंदर इतना बड़ा कांड होता है, उनके राज्य में होता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों? मैं कहता हूँ कि इंसानी भावनाएं किसी बॉर्डर का मोहताज नहीं होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी बच्चे मरते हैं तो उतनी दुख होती है जितना हमारे मोहल्ले में मरते हैं, उसके बीच में देशभक्ति को घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तबरेज अंसारी का जो पूरा मामला हुआ है वो साफ तौर पर एक संदेश देने का काम किया है उन्होंने, कि जो ये पूरी कम्युनिटी है उसको कहीं ना कहीं डराने का काम कर रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो लोग न्याय मत मांगो, आप लोग नौकरी में हिस्सेदारी मत मांगो, आप लोग सिस्टम में हिस्सेदारी मत मांगो, राजनीतिक रूप से मजबूत मत हो जाओ, आप लोग ये कहो कि हमें आपने जीने का अधिकार दिया है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो मुसलमानों को चाहते हैं कि वो घुटने पर कहकर ये बात कहें, और इस तरह की घटना हो रही है। गुजरात के अंदर जो 2002 में हुआ उससे 2-3 हज़ार लोग मरे, उसके वजह से नरेंद्र मोदी की बहुत थूथू हुई, उन्हें वीज़ा नहीं मिला। हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक कवर फोटो है जो हमें सामने दिख रहा है, दरअसल ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ठीक है। आरएसएस में देखिए कौन है लीडर, उनकी जो पूरी आइडियोलॉजी है वो किस प्रकार काम करती है, तो वो एक मनुवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, हिंदू समाज का नहीं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र की जो लड़ाई है इनकी, जो ये करते हैं, उसमें जो दलित पिछड़े जो साथ में शामिल हो जाते हैं और इस लड़ाई में सहयोग करते हैं, दरअसल जब मुसलमान निपट जाएंगे तब अगला नंबर उन्हीं का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस देश में मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, बहुत सारी मॉब लिंचिंग होती रही होंगी, पर एक तरीके की ऑर्गेनाइज वे में मॉब लिंचिंग करना, मैं कह रहा हूँ मॉब लिंचिंग हो गई, क्राइम हो गया, ठीक है, आपने उनको उठा के जेल में डालिए ना, न्याय दीजिए ना। आप उनको जेल से छोड़ते हैं, 302 को 304 में तब्दील करते हैं, फूल मालाओं से स्वागत करते हैं, तब ये क्यों ना माने कि ऑर्गेनाइज नहीं है? जनरली क्राइम करके लोग तो छुपते हैं, किसी को एक थप्पड़ भी मार दिया तो डरते हैं कि पुलिस में कंप्लेन कर दिया तो जेल चले जाएंगे। यहाँ लोग मार रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, और स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि हमें मज़ा भी आता है मारने में। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। क्राइम पेट्रोल देखकर रोज जज मत करिए कि भाई क्रिमिनल ये होगा वो होगा, समाज में भी जज करिए कि क्या चल रहा है। फिल्मों को देखकर हमारे आंसू निकलते हैं, समाज में हो रही घटनाओं को देख के आंसू नहीं निकलते हैं। तो इतना खोखला जो हमारा समाज बन गया है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये कहीं नहीं पहुँचेगा। हम चांद पर ये सिर्फ एल्यूमिनियम और लोहे की बनी चीज़ों के लिए संवेदना प्रकट कर सकता है, ये हड्डी मांस खून से बने लोगों के लिए संवेदना नहीं प्रकट कर सकता।